हेलो एवरीवन, सेकंड वे टू लर्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। और वैदिक मैथ के भी सेकंड सेशन में हम लोग आज हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया था, ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता हो, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट आपका 5 हो, उसका स्क्वायर करना सीखा था, उसका स्क्वायर करना सीखा था, ठीक है। और इसी प्रोसेस को एक्सटेंड करते हुए हमने एक और एक रूल बताया था कि अगर ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका यूनिट डिजिट का सम 10 आता हो, जिसका यूनिट डिजिट का सम कितना आता हो, 10 आता हो, जैसे 104 × 106, यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है, 6 + 4 = 10 आ रहा है, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों ही नंबर्स में रिमेनिंग डिजिट सेम आना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही नंबर में रिमेनिंग डिजिट्स 10 और 10 है, मतलब ये सेम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग नंबर बचा है 10 का सक्सेसर, 10 का सक्सेसर क्या है, 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करना है 10 को, 10 × 11 = 110, तो 11025 इसका आंसर हो जाएगा, 24 11024 इसका आंसर हो जाएगा। यही हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था। सेकंड सेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर बिटवीन 50 और 60। 50 और 60, आप सभी को मैं आशा करता हूं कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर जरूर आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। 50 से 60 तक का स्क्वायर मैं आज आपको ट्रिक्स के हेल्प से बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर रूल्स लिखे हुए, रूल्स को बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं बात को, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे। जैसे 51 का स्क्वायर, बिटवीन 50 एंड 60 में 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायर हम लोग को तुरंत अभी के अभी याद होने वाला है, ठीक है। जैसे 51 का स्क्वायर करना है तो आपको करना क्या है, ये जो यूनिट डिजिट दिख रहा है आपको 1, इसमें आपको 25 ऐड कर देना है, यूनिट डिजिट में 25 ऐड कर देना है, 1 + 25 हो जाता है आपका 26। ये जो 26 है इसको आप अपने लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर इस तरह से सेक्शन बनाओगे तो यहाँ पर रखोगे आप 26, और राइट हैंड साइड में इसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके रखोगे, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन हम लोग को 1 को एज अ 2 डिजिट का फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 01, 2 डिजिट का फॉर्म में लिखना है 01, ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 10 हो जाएगा, 01 लिखना है, तो यहाँ पर 2601, तो 51 का स्क्वायर कितना हो गया, 2601। यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिया है मैंने, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53 का स्क्वायर, तो 53 का अगर स्क्वायर करेंगे, सेम चीज है, आपने लिखा 3 में क्या ऐड करेंगे, 25, 3 में क्या ऐड करेंगे, 25, तो 3 + 25 = 28, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, मतलब आपका 28 इधर रहेगा। और नेक्स्ट 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9, 9 को 2 डिजिट का फॉर्म में लिखना है तो 09 लिखेंगे, तो 2809 आपका आंसर हो जाता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। 57 का स्क्वायर अगर करना है तो 57 का स्क्वायर में 7 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 25, सब में 25 ऐड करना है, 25 + 7 आपका 32 हो जाता है, 32 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ये तो 2 डिजिट नंबर है तो इसमें 0 आगे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड पार्ट में लिखना है, मतलब ये 32 और ये 49, 33249 आपका आंसर हो जाता है। उसी तरह से आपको लिखना है 52 का स्क्वायर, उसी तरह से आपको लिखना है 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर का अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए 52 का स्क्वायर, 2 में क्या ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, 25 ऐड कर दिया मैंने तो कितना हो गया, 27, और किसका स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 डिजिट का फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 04, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2704, ये हमारा सेकंड नंबर ट्रिक था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।